हेलो 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 मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, आप सबका स्वागत है अपने प्यारे से लप्पू से चैनल श्रेय गेमिंग पे। तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो उसमें आज हम बनाएंगे फर्म फुरम फारम फूरम फार्म। किस चीज़ का? हमारे प्यारे दोस्तों का, यानी कि एनिमल्स जानवरों का फार्म बनाएंगे भाई आज। तो हम चलते हैं घर को, और हम आ चुके हैं हमारी बुलेट ट्रेन से घर को। और यहाँ पे थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है भाई, और यहाँ पे आ गए हैं हम हमारे स्टेशन पे। स्टेशन आ गया है नीचे, ये बस ये सब आज मैं हटाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा अच्छा सा ये पूरा लिफ्ट का सेटअप बनाएंगे, स्टेशन को हवा में कर देंगे भाई। ये सारा ये देख रहे हो ना, देखो जरा सा देखो भाई। यहाँ पे सब्सक्राइब करो, सरप्राइज करो भाई। आप सब लोग कर रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं मानता हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, पर और करो, 50 तक पहुँचाओ इसको। मैं आज मैं देख रहा हूँ, तुम मेरी बारी आने नहीं दे रहे हो। मैं ये सब नोटिस कर रहा हूँ श्रेय भाई। अब आप ऐसा मत समझना कि ये मंगीलाल कुछ देख नहीं रहा। नहीं, मैं सब देखते सब है, हमको पता सब है, पर हम मौके की देर पे थे कि कब ये बोलना बंद करे और हम अपना चालू करे। पर नहीं, इसका तो बोलना खत्म ही नहीं होता मामा जी। हाँ, बोलना कैसे खत्म कर दे मेरे भाई, 50 सब्सक्राइबर का सवाल है, इस सबको कहना पड़ता है। और आज जो फार्म बनाने का वो मैंने बोला है ना, इसलिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। आज बहुत काम है, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, बाद में उसके ये वो फेंसिस बनाने हैं, वो एनिमल के लिए सब रिंगे बनानी है भाई, वरना तो भाग जाते। नहीं, वो कहते हम नहीं रहेंगे भाई, फेंस बनाओ। आजकल तो एनिमल को भी फैसिलिटी मिल रही है, ना जाने हमको कब मिलेंगी। और ये लोग एक तो सब्सक्राइब और लाइक नहीं दबाते, कमेंट भी नहीं करते कुछ। ये देखो गाइस, हमने घंटों की मेहनत के बाद हम नेदर में गए, नेदर कोर्ट्स के वो लाए, वो स्पार्कल्स क्या कहते हैं उसको, और उसका ये सब बनाया गाइस। भाई लोग ये देखो, सब कांच का है, कांच शीशे होते हैं ना, शीशे के, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते। हमारे बाजू में किसी का घर है ही नहीं जो हम पत्थर मारेंगे। पत्थर किस पे मारे भाई, खुद के सिर पे मारे हैं? मैं आजकल देख रहा हूँ भाई, तू मेरी बातें काटे जा रहा है भाई, मेरे डायलॉग्स खत्म होने दे। मैं बोल रहा था कि हमें कब फैसिलिटी मिलेगी, ये लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, और ऊपर से तू बीच में बोल दे भाई। मेरा तो कंटेंट भी तू ही है, और तू ही मेरा कंटेंट चुराता है, तू ही मेरे डायलॉग चुराता है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई। और ये क्या, ये डंडिया बना रहा है वो, ये सब फेंसिस बनाने, जल्दी से हमको ये फार्म वारम बनाना है, और बाद में कुछ नया सोचेंगे भाई। अब नया गाइस, आप लोग बताओ नया हम इसके बाद क्या बनाएं। इसके बाद एक ऐसा तो सरप्राइज दूंगा ना, इस वीडियो के एंड तक एक ऐसा सरप्राइज है ना गाइस, ऐसा फार्म आपने सोचा नहीं होगा, ऐसा हमने बना दिया है अभी। गाइस वैसे फार्म तो अच्छा है भाई, हर बार मैं बुराई कर सकता था, पर इस बार मैंने भी हेल्प की है, तो इस बार मैं वैल्यू जानता हूँ इस फार्म में कितनी देरी लगी है, कितनी मेहनत लगी है, इसलिए इस बार तो हम भी भाई कुछ नहीं कह सकते। और ये हो से थोड़े खेती कर रहे हैं भाई, अभी तो हम खेती बाड़ी में बहुत स्कोप है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। खेती बाड़ी में कुछ नहीं करना होता, बस ऐसे ही वो मार देनी है। और भाई वे रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा भाई, रियल लाइफ में तो पसीने छूट जाते भाई अच्छो अच्छो के। और हाँ, आप लोग लाइक कर दो इसमें, कुछ कोई भी यार पसीना नहीं छूटेगा इसमें, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लाइक करोगे तो आपका हाथ का सिर्फ 1 से 2 सेल मरेंगे। अबे भाई, तेरे को क्या लगता है, ये लोग बहुत स्मार्ट है, अब तक तो कब का कर दिया होगा लाइक। अब तक थोड़ी ना ये वेट करते हैं कि वो बोले तब हम लाइक करेंगे। भाई लोग, श्रेय भाई की ज्ञानी बातों को मारते गोली। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ भाई। एक बार मैं छोटा था, जब मैं स्कूल जाता था तो एक बार टीचर ने मेरे को पूछा कि तू हर बार लेट आता है, आज क्या बहाना सोच के आया, बोल जल्दी से बोल दे। मैं हर रोज लेट जाता था भाई, और मैं हर रोज बहाने बनाता था। तो उस दिन उसने मेरे को पूछा, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको जवाब दे दिया भाई कि मैं इतना तेज दौड़ के आया हूँ सर आज, कि सोचने का टाइम ही नहीं मिला सर। हाँ, और दोस्तों इसमें मजे की बात यह है कि वो सर ने ना तभी के तभी रिटायरमेंट ले ली थी, और तभी के तभी उसने रेजिग्नेशन लेटर भर दिया था। और ये जब छोटा था ना, स्कूल में कभी कभी जाता था, और कभी कभी जाता था वो भी लेट, इतना लेट कि वो आप कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते भाई। वो मींस के 8 बजे लेक्चर है, तो वो पहुँचेगा 9:30 बजे 10 बजे ऐसे, इस टाइम पे जाता था, और बाद में बहाने ढूंढना भाई। और अब तो वो है भाई कॉलेज में, कॉलेज
मतलब समझते हो आप, कॉलेज में कोई कोई बंधन ही नहीं होता भाई इसको। और ये उठता है तो जाता है, वरना पूरी रात भर ये वीडियो शूट करता है एडिटिंग में, और कभी कभी हेल्प करता है भाई, ज़्यादातर तो नहीं करता बट कभी कभी हेल्प करता है, तब एडिटिंग में कभी कभी हेल्प कर देता है या फिर वीडियो शूट करने में होते हैं, बस ऐसा ही होता है भाई। और रात पूरी रात रात भर जागता है भाई, और सुबह जब उठ सके तो जाता है कॉलेज, और वहाँ पे सोने ही जाता है वो। अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस तो दोस्त लगवा देते हैं इसके भाई, पता नहीं हमारे ऐसे क्यों दोस्त नहीं है भाई। हाँ ऐसे ऐसे दोस्त होते किसी के भी नहीं है भाई। ऐसे दोस्त ना बनाने पड़ते हैं, दोस्तों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वो जो पैरा कमांडो की ट्रेनिंग होती है ना, उससे भी हार्ड होती है दोस्तों को ट्रेनिंग देना, समझे। ट्रेनिंग लेने वाले को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता भाई, ट्रेनिंग देने वाले में टैलेंट होना चाहिए, लेने वाला तो वो उसको तो कोई दिमाग में बात ही नहीं चढ़ती भाई। हाँ दोस्तों, इन सब बातों में हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, और अभी हम जा रहे हैं अपने फार्म के लिए कुछ चीज़ें चुराने, वो भी कहाँ से, अपने विलेज से भाई। विलेज से ना हमारे पास वीट के वीट वीट बोल रहा हूँ भाई मैं, वीट वीट मीन्स गेहूँ, आप कुछ और मत समझ लेना। वीट में और ड में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये तो आपको भी पता होना चाहिए। यहाँ से वाटरमेलन चुला लेंगे भाई इसके। कैसे कैसे दिन आ गए देखो भाई, आप लोग लाइक नहीं करते इस वजह से ऐसे दिन आ गए कि आज दूसरों के खेत से तरबूज चुराने पड़ रहे हैं, जब हमारे खुद के खेतों में ऐसे ही तरबूज पड़े हैं और यहाँ से चुराने पड़ रहे हैं भाई। क्या भाई, क्या ज़माना आ गया है भाई, तरबूज के बीज भी चुरा लेते हैं। अब आए चोरी करनी है तो फिर ठीक से करते हैं ना भाई, ऐसे ही क्यों, ये बीज भी चुरा लेंगे हम। ये तरबूज तरबूज ये इस गांव में तरबूज उगेंगे ही नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सही भाई, इसको चोरी बोल के अपना नाम मत खराब करो यार, इसको कहते हैं लूट, इसको लूट बोलो भाई। लूट है ना वो एक प्रोफेशनल वर्ड है, और ये चोरी तो लुच्चे तुच्चे बोलते हैं भाई, अपन तो करते हैं लूट, वो बंटाई के जैसे लूट मार देंगे ना भैया। चलिए गाइस, तो मंगी की बातों को मारते हैं गोली हर बार की तरह, और ये अपनी माइंड की दरवाजे कैसे खुल गए भाई। हाँ लास्ट टाइम मैं आया था भाई, सॉरी मैं भूल गया यार, दरवाजे बंद करना भूल जाता हूँ। यहाँ से बैठ के चलते हैं अपने घर को, और यहाँ से ये बटन दबाया और चल दिए। गाइज अपना ये ट्रेन वाला है ना, वो बहुत काम आता है भाई हमारे, मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई। और यहाँ से हमने ना चढ़ने के लिए अलग रास्ता है, उतरने के लिए ये दिखाता हूँ अभी मैं, यहाँ से ये थोड़ा सा। हाँ अब देखो भाई, ऐसे उतर जाने का, इतनी स्पीड ना सोनिक स्पीड से उतरना है हमको, बस यही है हमारा। ये फुल मस्त लग रहे है भाई, और ये दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर सरप्राइज बन रहा है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दो मेरे भाई। और हाँ ये देखो वाटरमेलन दिख रहा है ना, खिला दूंगा आके, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी, ठीक है गाइस। कैसे दिन आ गए, हमारी बातों को गोली मारी जा रही है भाई, आप सब लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दो जल्दी से, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई, बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग।